हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एग्जाम पोस्ट। शुरू करते हैं हमारी आज की साइंस की क्लास। आज एनसीईआरटी साइंस सेवन्थ क्लास का हम लास्ट टॉपिक लाइट यानी कि प्रकाश को कवर करेंगे। लेकिन इससे आगे के जो चैप्टर्स हैं, एयर, वाटर, ये सब चीजें जो है हम इको एनवायरमेंट जो हम बात करेंगे उसमें हम सारा टॉपिक कवर करेंगे। तो सेवन्थ एनसीईआरटी का जो लास्ट टॉपिक है हमारा लाइट, आज हम पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपनी जो पिछली क्लासेस हैं, हमने सिक्स क्लास में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमने इमेज को स्टडी किया था, हमने शेडो को स्टडी किया था। जो लोग वो नहीं देख पाए हैं तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले पहले वो चीज़ें आप देखें कि इमेज कैसे बनती है, शेडो कैसे बनती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। यहाँ पर हमने ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट, ओपेक चीज़ों को पढ़ा था। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब किसी सरफेस से जो लाइट रे है, ये लाइट रे आती है और जब अपना पाथ जो चेंज कर लेती है उसे हम क्या कह देते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट हो जाना यानी कि परावर्तन। जब कोई भी लाइट रे किसी सतह पर पड़ेगी तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब जो हमने इमेज की बात की थी यानी कि हम अपनी छाया, सॉरी प्रतिबिंब हम कहें, छाया मतलब शेडो हो जाएगा। अगर हम रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिबिंब की बात करें तो हमने ये पढ़ा था अपने पिछले वीडियोस में कि प्रतिबिंब के लिए हमें क्या चाहिए, शाइनी सरफेस चाहिए, स्मूथ सरफेस चाहिए। ठीक है, शाइनी और स्मूथ सरफेस होने पर क्या होगा, जो लाइट रे है वहां से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वो हमें इमेज अपनी देगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। जैसे हम पानी के अंदर देखते हैं हमें इमेजेस दिखाई देती हैं, हम अपने घर में स्टील के बर्तन यूज करते हैं उसमें हमें इमेज दिखाई देती है। कई बार हम देखते हैं मिरर की हमने बात की थी, मिरर जो हमने बात की थी कि मिरर के अंदर भी क्या होती है, इमेज हमें दिखाई देती है। मिरर हमने देखा था क्या होता है, एक सिंपल ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और इसके बैक साइड पर हम क्या कर देते हैं, रेड पेंट कर देते हैं ताकि जो रे है उसके आर पार ना जा सके, वहां से रिफ्लेक्ट होकर वो हमारी इमेज हमें नजर दे सके। यहीं पर हम आज हम जो कवर करेंगे हमारा मिरर को ही हम कवर करेंगे, मिरर से किस तरीके से इमेज बनेगी और कैसे उसमें चेंजेस आएंगे। देखिए हम सभी जानते हैं कब बनती है इमेज, जब कभी दो रेज जो है आपस में टकराएंगी, जहां कहीं भी दो रेज आपस में टकरा रही है वहीं पर इमेज बनती है। ये जरूरी है, ये कंडीशन है। आगे हम आगे की हायर क्लासेस में जब हम पढ़ेंगे 9th 10th के अंदर कि जो रूल्स हैं इमेज बनने के, 8th में भी ये कवर हो जाएगा कि जो इमेजेस बनती है उसके कुछ रूल्स होते हैं कि किस एंगल पर वो जा रही है, किस एंगल पर वो आपस में टकराएंगी, अगर कोई रे इस तरीके से जा रही है, पैरेलल जा रही है तो वो कहाँ जाकर टकराएगी, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। बेसिक जो हमारा पॉइंट है, मुद्दा है, वो ये है कि जब कहीं भी दो रेखाएं आपस में मिलेंगी वहीं पर जो है इमेज बन जाएगी। तो किसी भी इमेज के बनने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, इमेज का होना। अब इमेज किसकी बनेगी, किसी ऑब्जेक्ट की ही बनेगी तो ऑब्जेक्ट का होना भी जरूरी है। अब इमेज कहाँ बनेगी, किसी स्क्रीन पर ही बनेगी, पर्दे पर ही बनेगी तो स्क्रीन का होना भी जरूरी है। तो जब ये सारी कंडीशंस हमारे पास अवेलेबल होंगी तब इमेज हमारी बनेगी। अब अगर हम बात करें मिरर की, मिरर की सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए मिरर में अगर हम बात करें, सबसे पहले हम प्लेन मिरर देखते हैं। प्लेन मिरर जो हम अपने आम घरों में हम यूज करते हैं मिरर, वो प्लेन मिरर ही होता है। देखिए जब आप अपनी इमेज को मिरर में देखते हैं, शीशे में देखते हैं, तो आपको अपनी इमेज कैसी नजर आती है, सीधी नजर आती है आपको, उल्टे तो नजर नहीं आते अपने आपको, भाई सीधे ही नजर आते हैं, सिर ऊपर है तो ऊपर ही नजर आता है हमें। तो उस इमेज को हम क्या कह देते हैं, इरेक्ट इमेज यानी कि सीधी। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बननी है। जैसे सपोज ये कोई हम कैंडल की बात करें, ये कैंडल है, अगर इस मिरर में अगर हम इसकी इमेज देखेंगे तो वो कैसी दिखेगी, हमें ऐसी ही दिखेगी भाई, ऐसी तो नहीं दिखेगी कि कैंडल जो है ये नीचे हो जाएगी, ये तो नहीं होगा, इस तरह की इमेज बनेगी। इसको हम क्या कहते हैं, इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज। दूसरी हम बात करें साइज की, जो साइज होता है हमारा शीशा, चाहे छोटा हो चाहे हम बड़ा ले लें, जो हमारी बॉडी का साइज है वो हमें पूरा नजर आता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो इमेज के साइज के इक्वल हमें नजर आता है। ठीक है, प्लेन मिरर की हम बात कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट अभी कैंडल इतनी है तो मिरर में हमें इतनी ही नजर आएगी, वो छोटी या बड़ी नहीं होगी, वो इक्वल ही हमें नजर आएगी। चलिए हमने बात की सीधी होती है, ऑब्जेक्ट पे इक्वल होती है, और ये क्या होती है, रियल इमेज होती है। देखिए रियल और वर्चुअल, यहाँ पर मैं आपको अभी थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखिए हमने अभी क्या कहा था कि जो दो रेज आपस में मिलती हैं वहां पर क्या होती है, इमेज बनती है। तो कभी कभी क्या होता है, आगे के जब हम लेंसेज को या मिरर्स के टाइप्स को हम पढ़ेंगे वहां हम देखेंगे कि कहीं पर जो रेज हैं वास्तव में कहीं पर मिलती हुई हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जब हम उन रेज को आगे कहीं बढ़ाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो कहीं ना कहीं तो जाकर
मिलेंगी, तो उसको हम क्या कह देते हैं, वर्चुअल। वर्चुअल यानी कि आभासी इमेज, ठीक है। तो रियल और वर्चुअल इमेज की हम टाइप्स बता रहे हैं। देखिए ये कैसी आ गई, इरेक्ट यानी कि सीधी, जिसे हमने कह दिया क्या, सीधी। और ये आ गई इन्वर्टेड, मतलब उल्टी, सीधी उल्टी। साइज की हम बात करें तो साइज या तो बराबर होगा या छोटा होगा या बड़ा होगा। और नेचर की हम बात करें, या तो रियल यानी कि वास्तविक होगी, या तो रेज वास्तव में मिलकर के इमेज बनाएंगी, या वो आगे कहीं जाकर हमें मिलती हुई प्रतीत होगी, जिसे हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो जो टाइप की हम बात करें, नेचर की हम बात करें, तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी है। नेचर हमें देखनी है, साइज हमें देखना है, और नेचर के अंदर ही हम वास्तविक और आभासी भी हम कह सकते हैं, सीधी और उल्टी भी हम कह सकते हैं। नेचर और साइज हमें, मतलब टोटल तीन चीजों को हमें देखना है, सीधी है या उल्टी है, बराबर है या छोटी बड़ी है, या वास्तव में मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, रियल है या वर्चुअल है। तो प्लेन मिरर की जब हम बात करते हैं तो इमेज कैसी दिखती है, अभी शीशे में हम आप देखते हैं अपने आप को, तो सीधी इमेज हमें नजर आती है। साइज जो है हमें बिल्कुल इक्वल अपना नजर आता है, रियल होती है, वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत नहीं होती है, वास्तव में मिलती है। चौथी जो हम बात करें इसमें जो है, जो साइड्स है, प्लेन मिरर की हम बात करते हैं, साइड्स इंटरचेंज हो जाती हैं प्लेन मिरर के अंदर। साइड्स मतलब देखिए, जब हम लेफ्ट उठाते हैं तो हमारा राइट हैंड लगता है शीशे में, जब हम देखते हैं तो सिर्फ एक ये होता है कि साइड्स हमें चेंज होती हुई नजर आती है, लेफ्ट जो है वो राइट हो जाती है, राइट जो है वो लेफ्ट नजर आती है। तो प्लेन मिरर से इमेज की जो है, जो क्वालिटीज हैं वो क्या आएंगी, इरेक्ट इमेज होगी, साइज इक्वल होगा, रियल इमेज होगी, और साइड्स जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी, यानी कि ये जो साइज होगी वो इस तरफ नजर आएगा और इधर जो होगा वो इस तरफ नजर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लेन इमर, प्लेन मिरर से इमेजेस का बनना। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो रेज मैं बना रही हूँ बिल्कुल सीधी बना रही हूँ, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो रेज है वो हमेशा कैसी चलेंगी, स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेंगी, सीधी रेखा में। ये हमने देखा था, एक पाइप का हमने एग्जाम्पल लिया था, जब हमने इसको टर्न कर दिया था तो हमें इमेज नजर नहीं आ रही थी, एक कैंडल का एक्सपेरिमेंट से हमने देखा था पिछली क्लासेस में, तो यहाँ तो हमें इमेज नहीं नजर आई और यहाँ हमें वो इमेज दूसरी तरफ से हमें नजर आ रही थी, कैंडल हमें नजर आ रही थी। इसका मतलब जो लाइट रेज है वो कैसी मूव करती है, सीधी रेखा में मूव करती है। चलिए ये हो गया हमारा प्लेन मिरर से इमेजेस का बनना। यहीं पर एक और चीज हम देखें, हमने जैसे साइज की बात की कि इक्वल साइज हमें नजर आता है, यहीं पर हम डायरेक्शन या डिस्टेंस से एक पॉइंट और हम ले लेते हैं। देखिए आपने कभी देखा होगा जब शीशे में हम अपने आपको देखते हैं तो हम कॉर्नर में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन जितनी डिस्टेंस हमारी अपने साइड से हमने ली है उतना का उतना ही हमें डिस्टेंस जो है हमें शीशे में नजर आता है। जैसे अगर हम मान लें ये एक चेकर बोर्ड हम बना लें, इस तरीके से हम चेकर बोर्ड बना लें, तो क्या होगा, सपोज हम यहाँ बिल्कुल बीचों बीच हम मिरर रख देते हैं और यहाँ हम किसी ऑब्जेक्ट को रखें, तो इस मिरर में जो इमेज हमें नजर आएगी उसमें ये चेकर बोर्ड हमें नजर आएगा। अगर हम कॉर्नर पे यहाँ पर रख देंगे तो हमें ये दो चेकर बोर्ड नजर आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को अगर हमने दो चेकर बोर्ड्स के पीछे रखा तो इमेज में भी हमें दो ही नजर आएंगे, तीन चेकर बोर्ड्स के नीचे रखेंगे तो हमें तीन ही नजर आएंगे। अगर मान लीजिए हम इस कॉर्नर में शिफ्ट कर देते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को तो मिरर में भी हमें ऑब्जेक्ट इसी में नजर आएगा। इसका मतलब जिस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है इमेज की डिस्टेंस भी उतनी ही रहेगी, यानी कि डिस्टेंस भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। साइड्स इंटरचेंज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ एक एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए आपने देखा होगा जब एम्बुलेंस हमारे, आपने देखा होगा कभी कि उसके ऊपर जो एम्बुलेंस जो लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है, देखा है आपने, वो क्यों लिखा होता है, ताकि जब हम अपने मिरर में जब हम उसको देखते हैं तो वो इमेज हमें सीधी नजर आती है। उल्टा लिखा हुआ एम्बुलेंस भी, जब पीछे से गाड़ी आ रही है हम पीछे घूम घूम के तो नहीं देखेंगे, जो हमारा साइड मिरर है उसमें ही हम चेक करते हैं, तो साइड मिरर में वो एम्बुलेंस लिखा हुआ हमें सीधा नजर आता है, क्योंकि हम इमेज क्या करें, सीधी बनती है ना। तो अब आगे के मिरर जब हम स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर्स को हम स्टडी करेंगे, वहां पर इस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे कि जो एम्बुलेंस है वो क्यों उल्टा लिखा हुआ होता है, ताकि जो हमारे व्हीकल का जो मिरर है उसमें वो इमेज हमें सीधी नजर आए। तो वो हम देखते हैं कि हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उसमें कौन से मिरर्स हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं देखिए स्फेरिकल मिरर्स की। अभी जो हमने पढ़ा वो क्या था हमारा, हमने पढ़ा था प्लेन मिरर। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। ये देखिए सपोज हम इस तरीके से हम दो राउंड शेप्स हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए आपको नजर आ रहा है इस तरीके से, ये स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मतलब गोल, ये जो हमने गोल लिए हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो
ये जो शेप हमें नजर आएगी, जो ओवरलैप हो गई है इसके एक दूसरे के ऊपर, इस तरीके से हमें नजर आएगी। वहीं अगर हम इन दो सर्कल्स की बात करें और इनको आपस में जोड़ दें, तो ये वाला जो हिस्सा, इसको अगर हम हटा दें, ये हिस्सा अगर हम हटा दें, तो हमारे सामने कौन सी शेप आ जाएगी? ये वाली शेप आ जाएगी, है ना। तो ये जो मिरर्स हमें मिले हैं, किन से मिले? दो स्फेरिकल शेप से हमें मिले हैं, इसलिए हम इनको क्या कह देते हैं? स्फेरिकल मिरर्स हम कह देते हैं। तो अब अगर हम स्फेरिकल मिरर्स के फीचर्स की हम बात करेंगे, देखिए आपने अपने घर पे ट्राई किया होगा या आप आज करके देखेगा, हमारे घर पे जो स्पून्स होते हैं, टेबल स्पून की हम बात करते हैं, कड़छी जिसे हम कहते हैं, एक तो क्या होता है, जो उसकी ओवरलैप स्पेस होता है, यानी कि सीधी, जब जहां से हम उसको डूंगा स्पेस जिसे हम कह सकते हैं, गहराई वाला जो हिस्सा होता है, आप उसके अंदर इमेज देखें, एक उसके बैक साइड पर आप देखें जो उसका उभरा हुआ हिस्सा होता है, दोनों में अगर जब हम अपने इमेज को देखेंगे तो हमें फर्क नजर आएगा। वो फर्क क्या नजर आएगा, यहां पर हम इसको अभी नोट करते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए स्फेरिकल मिरर में हमने पढ़ा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। जैसे हमने स्पून की बात की, स्पून के एग्जाम्पल से, प्लेट के एग्जाम्पल से हम बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए प्लेट के अंदर जब हम इमेज देखते हैं तो वो बिल्कुल फ्लैट सरफेस होती है, तो प्लेट जो है हमारी स्टील प्लेट, उसे हम प्लेन मिरर के तौर पर दे सकते हैं। वहीं पर अगर हम स्पून की बात करें, टेबल स्पून, कड़छी जिसे हम कहते हैं, उसकी जो इनर सरफेस है उसको हम क्या कहेंगे? कॉनकेव। और जो आउटर सरफेस है उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स। देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये रेड जो है, मैंने इसको मतलब जो रेड वाला पोर्शन यूज नहीं करना है, ये पॉलिश्ड है सरफेस, तो ये अंदर की साइड पे जब रेस पड़ेंगी कहाँ पड़ेंगी? यहां पर पड़ेंगी, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पड़ेंगी उभरी हुई सतह पर। तो जो इनर सरफेस है वो कनकेव मिरर होगा। यहाँ पर जो इमेज होगी वो कैसी बनेगी? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब हमने क्या पढ़ा था? सीधी इमेज बनेगी। अभी जो इमेज है बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ कहाँ पर है, इनको हम आगे पढ़ेंगे। मोस्टली जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड होगी, उल्टी बनेगी। रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, मतलब वास्तविक भी हो सकती है, आभासी भी हो सकती है। ये भी हम कहाँ पढ़ेंगे? हम आगे के जो लेसन आएंगे हम उनमें इन सब नियमों को हम पढ़ेंगे। ये मतलब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि कनकेव से कॉन्वेक्स से कैसे बनती है इमेज, इरेक्ट कैसे बनती है। देखिए जैसे अगर हम यहाँ मिरर लेंस की अगर हम बात करें, देखिए इस तरह का लेंस होता है, जैसे ये हमारा फोकस लाइन होती है, रेज जाती है इस तरीके से, ये टकराती है यहाँ पर, वापस इस तरीके से घूमती है, दूसरी रे जाती है इस तरीके से घूमती है, तो जहां कहीं ये रे आपस में टकराएंगी, मिल जाएंगी आपस में, वहीं पर क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। तो ये अभी नियम है हमारे, जब नियम आप पढ़ लेंगे तो बड़े अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अभी आपको सिर्फ ध्यान रखना है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है, शेप का आपको पता होना चाहिए कि जहां इनर सरफेस होगी वो क्या है? कॉनकेव, और जहां आउटर सरफेस होगी, उभरी सतह होगी, वो कन्वेक्स। और इसका यूज कहाँ होता है? देखिए इरेक्ट, लार्ज और इन्वर्टेड, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये धीरे धीरे जब आगे के लेसन में हम पढ़ेंगे आप खुद इमेज बनाना सीख जाएंगे। अब कनकेव मिरर में हम देखते हैं जो इमेज जब लार्जर बनती है, तो देखिए जैसे जो डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट हमारे दांतों को चेक करते हैं, या आपने देखा होगा जो कानों कान के जो डॉक्टर्स होते हैं वो यूज करते हैं, वो क्या करते हैं? इसको हम देखते हैं ध्यान से, बारीक चीज को जब देखना होता है, बड़ा करके देखना होता है, तो डेंटिस्ट यूज करते हैं। टॉर्चेस में हम देखते हैं, या हेडलाइट्स हम देखते हैं अपने व्हीकल्स की, वो क्या करते हैं? लाइट को फैला देते हैं। तो इनका क्या काम है? लाइट्स को फैलाने का काम है, ठीक है। तो हेडलाइट्स में, टॉर्चेस में कौन सा यूज होता है? कॉनकेव मिरर यूज होता है। यही हम बात करें कॉन्वेक्स की, इसमें इरेक्ट बनेगी, स्मॉलर बनेगी इमेज। तो जैसे हम साइड व्यू मिरर की अभी हम बात कर रहे थे, हमने एम्बुलेंस का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारे व्हीकल्स हैं, साधन हैं हमारे, उनमें कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो जो पीछे जो ऑब्जेक्ट है उसकी सीधी इमेज वो बना के देता है, तो जो उल्टा लिखा हुआ उसकी सीधी इमेज बनेगी, तो हमें एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ नजर आएगा। तो साइड व्यू मिरर जो है उसमें हम कौन सा यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर को हम यूज करते हैं। इसी तरीके से हम लेंस की अगर हम बात करें, जो अभी मैंने आपको समझाया था, यही हमारे क्या होते हैं? लेंसेज होते हैं। जब भी आपको मैंने दिखाया ये कॉन्वेक्स हो गया और ये कॉनकेव हो गया, इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस और ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये अगर हम इसका मिडल हम पार्ट मान ले, यहाँ पर इन दोनों लेंसेज का, ये क्या करते हैं? एक रेज को क्या करता है, जो भी रेज इसके ऊपर पड़ती हैं, एक लेंस को क्या करता है, इन रेज को सबको एक पॉइंट पर मिलाने का काम करता है। देखिए रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज जा रही है, कहाँ मिल रही है? एक पॉइंट पर मिल रही है, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी हम इसको कह देते हैं, ठीक है। कन्वर्जिंग क्या होता है? एक जगह पर इकट्ठा करना, तो कॉन्वेक्स लेंस को ही हम कन्वर्जिंग लेंस भी हम कह देते हैं। वहीं कॉनकेव क्या करता है, देखिए ये इस तरीके से किरणों को फैला देता है, ठीक है। जब किरणें फैल जाएंगी रिफ्लेक्शन के बाद, ये इस तरीके से चली जाती हैं,
तो यहां पर क्या हो रही, किरणें फैल रही हैं, तो इसे हम क्या कह देते हैं, डाइवर्जिंग, यानी कि फैलाने वाला, डाइवर्जिंग लेंस भी हम इसको कह देते हैं। अब देखिए यहाँ पर रियल और वर्चुअल का भी कंसेप्ट आप आराम से समझ सकते हैं। ये किरणें आपको वास्तव में मिलती हुई नजर आ रही है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, रियल कह देते हैं। अगर हम इन किरणों को भी, किरणें जहां पर फैल रही हैं, तो जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो वो कहाँ मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, तो हम क्या करते हैं, इनको पीछे की तरफ हम कहीं बढ़ा देते हैं। इस तरीके से कहीं जब हम बढ़ाएंगे तो ये किरणें हमें कहीं पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो इस तरह की इमेज को हमने क्या कहा था, वर्चुअल यानी कि आभासी इमेज हमने कहा था। ठीक है, अब यहाँ देखिए जैसे ऑब्जेक्ट अगर हम इतना बड़ा मान के चल रहे हैं, रेस सारी यहाँ पर मिल रही है ना, तो ये ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा है, समोच इतना बड़ा है, यहाँ इमेज इतनी सी बन रही है, तो इमेज क्या बन गई, बिल्कुल स्मॉलर, डिमिनिश, बिल्कुल पॉइंट साइज हो गई है, छोटी। तो इस तरीके से हम कहते हैं छोटी और बड़ी इमेज हमारी बनती है, ऑब्जेक्ट तो बड़ा है और इमेज इसकी छोटी सी बन गई है। तो ये जो चीजें हैं हमारी कि किस तरीके से लेंस से इमेज छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, रियल बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इन सब चीजों को हम आगे कंसेप्ट में पढ़ेंगे। मेन आपको बस ये ध्यान रखना है कॉन्वेक्स और कॉनकेव होता क्या है, ये लेंस है क्या और मिरर क्या है, इनको कहाँ यूज करते हैं। जैसे प्लेन मिरर में हमने पढ़ा सेम साइज की इमेज बनती है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में स्मॉलर और लार्जर अलग अलग साइज की इमेजेस हमारी बनती है। रियल इमेज हमने पढ़ा कि जहाँ वास्तव में मिल रही है उनको हम रियल इमेज कहते हैं। जैसे देखिए लेंस का आप देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस हम यूज करते हैं, किसी चीज को छोटा बड़ा करके हम देखते हैं। हम बचपन में खेल भी करते थे, आपने भी कभी किया होगा, जो हमारे डाइसेक्शन बॉक्स में लेंस आता है, हम उसको सूरज की किरणों के सामने, सूरज के सामने रखते थे और नीचे एक पेपर रख देते थे, तो क्या होता था, थोड़ी देर में वो पेपर जल जाता था। क्यों होता था ऐसा, क्योंकि जो सूरज की किरणें जब उस लेंस के ऊपर पड़ती हैं वो क्या करता है, उन सब किरणों को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है। ठीक है, और जब उस पेपर के ऊपर वो किरणें इकट्ठी होंगी, सूरज की किरणें क्या देती हैं, हीट देती हैं, तो इस हीट से जब एक ही जगह पर हीट मिलेगी तो क्या होगा, यहाँ से वो पेपर बर्न होना शुरू कर देता था, जलना शुरू कर देता था। तो उसे मैं पता चलता था कि जो मैग्नीफाइंग लेंस होते हैं उसमें कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सूरज की किरणों को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर रहा है। यही हम बात करें सूरज की किरणों से, जो सूरज की रोशनी होती है इसको हम क्या कहते हैं, व्हाइट लाइट हम कहते हैं, व्हाइट लाइट यानी कि श्वेत प्रकाश हम कहते हैं। वास्तव में ये जो प्रकाश है ये क्या होता है, सेवन कलर्स में डिवाइड होता है, सेवन कलर्स। ये सेवन कलर्स कौन कौन से होते हैं आपको पता है, विबग्योर, आपने नाम पढ़ा है विबग्योर, ये सेवन कलर्स हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, सतरंगी, सात रंग जिन्हें हम कहते हैं। तो व्हाइट लाइट जो होती है इन सात रंगों से मिलकर ही बनी होती है, और जब ये सात रंग किसी एक चीज पर पड़ते हैं तो ये बिखर जाते हैं, इसको हम डिस्पर्सन कहते हैं। ये अलग अलग टर्म्स हैं जिनको हम आगे की क्लासेज में स्टडी करेंगे। जैसे आपने देखा होगा एयर बबल हम देखते हैं, पानी का बुलबुला, वाटर बबल जो हम कहते हैं, जब कभी हम उसको देखते हैं उसमें हमें सात रंग दिखाई देते हैं। या जो हमारी सीडीज हम देखते हैं, सीडीज पर हमें सात अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, वो क्यों दिखाई देते हैं, जब व्हाइट लाइट उनके ऊपर पड़ती है, उस शाइनी सरफेस पर पड़ती है, जैसे हम प्रिज्म देखें, प्रिज्म हमारा कुछ इस तरह का होता है, जब ये व्हाइट लाइट इस पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ से, तो ये सेवन कलर्स में क्या होगी, ये बिखर जाएगी। ठीक है, तो ये सेवन कलर्स जो यहाँ से व्हाइट लाइट आई, श्वेत प्रकाश आया जो सूरज की किरणें हैं, और यहाँ से क्या हो गया, ये विबग्योर के अंदर कन्वर्ट हो गया, सात रंगों के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। तो ये श्वेत प्रकाश और ये इंद्रधनुषी रंग, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं, इंद्रधनुष भी इसीलिए बनता है क्योंकि एयर के अंदर क्या होती है, पानी की बूंदे होती हैं, और सूरज की रोशनी बारिश के मौसम में जब इन पानी की बूंदों पर पड़ती है तो व्हाइट लाइट क्या होती है, सात रंगों में बिखर जाती है, जिससे हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं जो आगे के चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ जैसे बार बार मैं बेसिक वर्ड को यूज कर रही हूँ, बेसिक मतलब देखिए हम सिक्स और सेवन की क्लासेस पढ़ रहे हैं, तो सिक्स और सेवन के बच्चों के से आप क्या उम्मीद करते हैं, वो इन सब कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में नहीं समझ सकते, तो उनके लिए उन टर्म्स का पता होना पहले जरूरी है कि वो पढ़ क्या रहे हैं, जो चीजें वो पढ़ेंगे आगे उनका नाम क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, फिर आगे उनके प्रोसीजर को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सिक्स और सेवन के हिसाब से हमारा कंसेप्ट यहीं कवर होता है, जो हमने कंसेप्ट अपना शुरू किया था, हमने इमेज, रिफ्लेक्शन, मिरर्स, लेंसेज को हमने स्टडी किया, इमेज किस तरीके से बन रही है, कैसी इमेजेस बन रही हैं, कहाँ कहाँ हम इन मिरर्स को, लेंसेज को हम यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप में हम कन्वेक्स को यूज़ कर रहे हैं, या हम मैग्नीफाइंग ग्लास में हम यूज़ कर रहे हैं, हम प्लेन मिरर्स को, साइड मिरर, सॉरी प्लेन मिरर्स को नहीं, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, हम इनको अलग अलग जगहों पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब यूजेज आपको पढ़ने हैं,
कि यूजेस जैसे पूछा जा सकता है, सवाल किस तरीके से आएंगे, डेंटिस्ट जो अपना लेंस यूज करते हैं, मिरर यूज करते हैं, वो कौन सा होता है, जो हमारे व्हीकल्स में साइड व्यू मिरर होता है वहाँ हम कौन सा यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं उसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है। तो आप जब चीज़ को समझ लेंगे, लेंसेज से बनने की इमेजेस को बनने के तरीकों को आप समझ लेंगे, तो आपको अपने आप से याद हो जाएगा, फिर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपकी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर क्लियर हुई होगी। जो आपके डाउट्स हों, जो आपकी क्वेरीज हों, आप कमेंट बॉक्स में आप भेजें। वीडियोज़ को हम शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।